हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रश्न को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये पहले भी एसएससी सीजीएल 2007 में आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बचा हुआ 40 किलोमीटर तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। संपूर्ण यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल क्या रही? और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा सही है। तो देखिए, हमें यहाँ पे औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास संपूर्ण दूरी मतलब कुल दूरी और कुल समय होना चाहिए। तो जो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम इस फॉर्मूले में रख के, सूत्र में रख के सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे तो आ जाएगा तुरंत ही। तो क्या हमारे पास कुल दूरी और कुल समय है? यहाँ पे बस हमें यही देखना है। तो एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बचा हुआ 40 किलोमीटर तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो 40 और 30 दो भागों में ये जो दूरी दी गई है, तो दूसरी वाली दूरी के लिए, 40 किलोमीटर की दूरी के लिए हमारे पास समय है। तो दूरी है और समय है। पहले में देखिए, 30 किलोमीटर की दूरी है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समय नहीं है, यहाँ पे हमारे पास उसकी चाल है। ठीक है, तो समय नहीं है हमारे पास, तो दूरी है और चाल है, तो इससे हम समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा औसत चाल का जो सूत्र होता है उसमें रख के हम अपना औसत चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बार में वो है 30 किलोमीटर और उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, पहली वाली बारी में 30 किलोमीटर चलता है वो, और किस चाल से? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका समय निकाल लेंगे। तो समय का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा समय बटा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है यहाँ पे? 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर से किलोमीटर कटा, और आवर ऊपर आके 5 आवर। मतलब कि पहली वाली दूरी के लिए, 30 किलोमीटर चलने के लिए उसको 5 घंटे लगते हैं, और दूसरे वाले 40 किलोमीटर को चलने के लिए भी उसको 5 ही घंटे लगते हैं। तो देखिए कि हमारे पास कुल दूरी कितनी हो गई, पहले 30 किलोमीटर, फिर बाद में 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, और कुल समय पहले वाले के लिए 5 घंटे यहाँ पे हमने निकाला अभी, और बाद वाले के लिए भी 5 ही घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे यानी 10 आवर। ठीक है, अब इसके बाद हम औसत चाल आसानी से निकाल सकते हैं। औसत चाल का जो सूत्र है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर, और कुल समय है 10 घंटे। तो अगर हम इसे काटेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारी औसत चाल कितनी हो गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में 7 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब ये वाला बी, बी हमारा सही ऑप्शन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको और ऐसी वीडियो मिलती रहे।